आज बिल्कुल हुकूमत हो या अपोजिशन, इस्लामाबाद में आज जलसों की फिजा जो है वो बनी हुई है। मैं इस वक्त वजारत दाखिला के कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ, जहाँ पर सारी मॉनिटरिंग की जा रही है, किस सड़क पर क्या एक्सेसिबिलिटी है, किस जलसे में कितने लोग हैं, कौन क्या बात कर रहा है, वो भी यहाँ पर सुनाई दे रही है। वजीर दाखिला शेख रशीद खुद ये तमाम चीजें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सुन रहे हैं। शेख साहब, नंबर ऑफ कैमराज कितने हैं इस वक्त जो इस्लामाबाद? हमने हजारों कैमरे लगाए हैं, हजारों कैमरे, और इसको सेफ सिटी से भी अटैच किया है और साथ के कमरे हम चारों चीफ सेक्रेटरियों से भी अटैच हैं। सो सारा पाकिस्तान इस कंट्रोल रूम से कंट्रोल हो रहा है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि JUA के कारकुनान नजर नहीं आ रहे, हर जगह PTI है, तो फिर कहाँ पर JUA और PTI के तसादुम का खर्चा जो आप लोग? शाम को ऐसी फजा है कि जोहर के बाद वो श्रीनगर हाईवे को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि श्रीनगर कश्मीर हाईवे को खुला रखा जाए। अतर मिनल्ला साहब ने हुक्म में लिखा है हर सूरत में खुला रखेंगे। शेख साहब, आज आप इमरान खान के साथ जलसे के अंदर शरीक भी होंगे, इत्तेहादियों में आपके अलावा कौन कौन बंदा होगा, कुछ बता सकते हैं? मुझे ये तो नहीं पता, ये वक्त है कि सारे इत्तेहादियों को इमरान खान के साथ होना चाहिए। आज बिल्कुल शेख रशीद अहमद ने कहा कि तमाम इत्तेहादियों को इमरान खान के साथ होना चाहिए। तमाम सड़कों की मॉनिटरिंग की जा रही है और ये बार बार तलकीन की जा रही है कि JUI आगे जितने भी कारकुन आने और लीडरशिप, उनको कहा जा रहा है कि किसी तसादुम का शिकार ना हो और बिल्कुल जो श्रीनगर आई है उसको कोर्ट ऑर्डर के ऊपर खुला रखें।